हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए जो हम न्यूज़ लेकर आए हैं वो न्यूज़ के माध्यम कमेंट का है। दोस्तों, इसमें एक हमारे पास लोकविंदर दास गोयल जी का ज़बरदस्त कमेंट आया। उन्होंने साफ कहा है कि सोसाइटी सिरोही राजस्थान ने किसी को ज़बरदस्ती पैसा जमा करने के लिए बाध्य नहीं किया था। जी हाँ दोस्तों, उनका कहना बहुत सही है कि 20-21 साल से इस कंपनी को हम भी देखते आ रहे हैं। आगे इनका कहना है कि सबने सभ्य इच्छा से जमा किया है, ये सोसाइटी को भ्रष्टाचार और भ्रष्ट तंत्र के मकड़ जाल में फंस गई है, इसलिए निवेशकों का पैसा फंस गया है। काम सुचारू रूप से संचालन सही तरीके से चल रहा था, कर रही थी। और इन्होंने आगे कहा है कि इन्होंने मंदिर में भी सोना चढ़ाया, फ्लैट में भी सहयोग करना और नेताओं का कुरास नहीं आया। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि इनका इस तरीके से मदद करना निवेशकों को रास नहीं आया। आगे कहते हैं कि सोसाइटी भ्रष्ट तंत्र के जाल में नहीं फंसी है, यही वजह है जो सोसाइटी के निवेशकों का पैसा मिलना एक मुसीबत बन गया है। निवेशक परेशान है, भ्रष्ट लोगों को जमानत मिल रही है, सही व स्वच्छ लोगों को मदद नहीं मिलती। इन्हें आगे लिखा है इन्होंने, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम तथा सबको विश्वास, जय श्री राम, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, ये बहुत अच्छा कमेंट इन्होंने हमें भेजा और इनका कमेंट भेजने का माध्यम यही रहा कि इन्होंने आदर्श की परेशानियों को समझा और सरकार की गलत नीतियों के बारे में इन्होंने यहाँ बताने की कोशिश की। तो अगला हमारे पास जो कमेंट है वो बी आर प्रजापति जी का है। उन्होंने कहा है कि आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी की जांच SOG द्वारा कराई जाए और 2,500 करोड़ के घोटाले का कोई साफ हिसाब किताब नहीं है। इस कारण से निवेशकों को यह संदेश गया है कि मुकेश मोदी ने जानबूझकर राशि निवेशकों को नहीं लौटाई। इससे समाज कार्य करवाए जिससे उनकी खास साख बनी रहे, लेकिन किसी को, दोस्तों इनका कमेंट में कुछ साफ नहीं लिखा, किसी को यह पता नहीं था कि आदर्श सोसाइटी अंदर से खोखली है लोगों को जानबूझकर। दोस्तों, ये कंपनी के खिलाफ गुमराह किया गया है और इसकी राशि सुरक्षित है, अधिक ब्याज का लालच दिया, कुछ ऐसे ही इन्होंने कमेंट में लिखा है, जिससे पता चलता है कि ये आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव को अपनी नज़र में गलत मानते हैं। और ऊपर के कमेंट वाले का कहना है कि आदर्श सोसाइटी ने किसी को बाधित नहीं किया। दोस्तों, दोनों कमेंटों में समानता है और इन समानताओं के आधार पर हमें ऐसा लगता है कि निवेशकों के अंदर एक मत नहीं है, अलग अलग सोच है। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में अलग धारणा है। तो दोस्तों, धारणा कैसी भी हो, इस वक्त तो पैसा सबका फंसा हुआ है। क्या सही और क्या गलत, सीधी सी बात है, हमारा पैसा जल्द से जल्द मिल जाए। और के पवन जी को इस वक्त जो रजिस्ट्रार हैं उनको ज़्यादा अथॉरिटी मिली है इस समस्या को सुलझाने में। तो निवेशकों से हमारा अनुरोध है कि पैसे के लिए ज़्यादा चिंतित ना हो,
क्योंकि बहुत जल्द आपका पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि 5 करोड़ या इसके आसपास कुछ पैसा वहाँ जमा किया गया निवेशकों के देने के लिए। तो दोस्तों इसी तरीके से प्रॉपर्टियाँ जब्त की हुई बिकेंगी और आपका पैसा मिलेगा। जो इनके खाते सीज किए गए हैं उनमें जो पैसा मिला है वो भी आपको सबको वन बाय वन मिलेगा। तो दोस्तों निश्चित रहें अपने पैसे को लेकर। यह बड़ी न्यूज़ आपको इस न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।